हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक्निकल फास्ट वे यूट्यूब हिंदी चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप एक स्टूडेंट हैं तो आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर एडमिशन लेना जा रहे हैं, तो आपके लिए यानी कि जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट का होना तब भी ज़रूरी है। और दोस्तों, आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तब भी आपके लिए जो है कास्ट सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो है एज के लिए आपको कुछ छूट मिल जाती है। तो सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप अपना जाति सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी घर बैठे, और मात्र 15 रुपये में आप बनवा सकते हैं जाति सर्टिफिकेट। और साथ में ये बताऊँगा क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पे लगते हैं और कैसे आपको ऑनलाइन करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये दोस्तों, सबसे पहले आपको आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो अपने मोबाइल का भी क्रोम ब्राउज़र में जाइएगा और डेस्कटॉप मोड ओपन कर लीजिएगा। और सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पर डालना है सिटीजन सर्विसेज। जैसे आप सिटीजन सर्विसेज डालते हैं तो यहाँ पर जो है फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, इस पर आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, ये यूपी वालों के लिए है, जो आपके यूपी से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ से बहुत ही आसानी से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आ जाने के बाद जो सिटीजन सर्विस की जो वेबसाइट है, ये अलग से दे रखी है, जो इस पर सेल्फ यूज़ के लिए वेबसाइट को डेवलप करा गया था। दोस्तों, यहाँ से जो है सबसे पहले आपको इसकी जो है यूज़र आईडी पासवर्ड लेना होता है। वो कैसे लेंगे आप? सबसे पहले नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर जाइएगा। दोस्तों, इसके लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखी है। दोस्तों, आप जो है चैनल पर जाइएगा और आपको आई बटन में मिल जाएगा। आई बटन में जाकर के आप इस वीडियो को ठीक से देख लीजिएगा, मैंने पूरी डिटेल बताई इस पर कौन कौन सी सर्विसेज हैं और दोस्तों कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो, कैसे इसकी आप आईडी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप चैनल पर आते हैं तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, अपना आय जाति स्थाई बनाए घर बैठे बिल्कुल फ्री और आईडी कैसे लें। दोस्तों, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया है कि कैसे आप इसकी आईडी को ले सकते हैं और क्या क्या इसमें सर्विसेज हैं। वो सारी भी चीज़ें आप इस पर वीडियो को देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, और आप इसकी आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। आईडी क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर यूज़र नेम डालना है और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है, सुरक्षा कोड डालना है और आपको सिंपली सबमिट कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस आईडी को अपने लॉगिन कर लेते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको सिंपली जो है आवेदन भरे पर क्लिक करना है। आवेदन भरे पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर चयन करें पर जाइएगा और यहां से जो है बहुत सारे आपको यहां पर सर्विसेज मिल जाएंगे इसके अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र, जाति, दिव्यांग, जन्म, मृत्यु वगैरह वगैरह बहुत सारी इसमें सर्विसेज मिल जाएंगी। तो आप सिंपली जाति प्रमाण पत्र पर जाइएगा। जाने के बाद जो है आप यहां पर जो है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या आवश्यकता होती है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की इसकी बात करी जाए तो सबसे पहले इसमें आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, और एक जो है आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं है तो आप प्रधान से जो अटेस्ट हुआ, एक प्रधान से जाइएगा और अपने प्रधान के पास जाइएगा और वहाँ से जो है अटेस्ट करा कर ले आइएगा कि मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, वो चल जाएगा। या फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप वोटर आईडी कार्ड भी इसकी जगह लगा सकते हैं, या फिर आपके पास स्थायी प्रमाण पत्र है तो आप वो भी लगा सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो है आपको चाहिएगा एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करना है वो मैंने अभी वीडियो में आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है। नाम भरने के बाद आपको यहाँ पर पापा का नाम भरना है। यहाँ पर जो है अपनी पूरी जन्मतिथि भरनी है। जन्मतिथि के बाद यहाँ पर अपना व्यवसाय भरना है। आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पर छात्र भर दीजिएगा, या फिर आप किसी लेडीज़ का बना रहे हैं तो उस पर गृहिणी कर दीजिएगा। यहाँ पर आपने आपको फुल एड्रेस देना है, यहाँ तक हम लोग फुल एड्रेस देना है। यहाँ पर आपको स्थान डालना है जहाँ से आप ऑनलाइन कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर स्थान डालना है। और यहाँ पर जिस दिन आप ऑनलाइन कर रहे हैं उस दिन की यहाँ पर आपको डेट डालनी है। यहाँ पर जिसका आप ऑनलाइन कर रहे हैं उसे आप यहाँ पर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर करवा लेने हैं, और उसका यहाँ पर आपको सिंपली नाम फिलअप कर देना है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से मैंने इसको फिलअप कर रखा है उसी तरह से आप भी जो है इसको अच्छे से भर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके इसको ठीक से देख लीजिएगा कैसे कैसे मैंने आप इसको भर रखा है, उसी तरह से आप भी इसको फिलअप कर दीजिएगा। दोस्तों, इतना सब कुछ डॉक्यूमेंट देखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर जाति सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी कि आप जो फॉर्म भरना चाहते हैं वो हिंदी में फिलअप करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में फिलअप करना चाहते हैं। दोस्तों, आप इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, कि आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से अपना फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों आप हिंदी में चाहते हैं भरना तो आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आई, क्योंकि हिंदी में लिखना कोई ज़्यादा आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा कठिन होता। तो उसका मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। आपको सिंपली गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद यहाँ पर डालना है गूगल इनपुट टूल। जैसे ही आप ये डालते हैं गूगल इनपुट टूल, तो आपको सिंपली फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऑन क्रोम पर आइएगा। जैसे आप ऑन क्रोम पर आ जाते हैं तो यहाँ पर जो है डाउनलोड क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक कर दीजिएगा।
दोस्तों जैसे ही आप डाउनलोड ऑन क्रोम पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है ऐड एक्सटेंशन का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप सिंपली ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको सिंपली ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है हिंदी वाली सीरीज में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो आपको ये वाला जो है हिंदी वाला, आपको सिंपली ये वाला जो है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। करने के बाद आपको जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इस एरो पर क्लिक करिएगा। जैसे आप एरो पर क्लिक करते हो आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद जो है आप सिंपली अपने फॉर्म पर आइएगा। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र हिंदी पर क्लिक करिएगा। हिंदी पर क्लिक करने के बाद जैसे आपके सामने कुछ हिंदी में फॉर्म आ जाएगा तो आप सिंपली फिर से यहाँ पर जाइएगा। यहाँ पर जाने के बाद आप ये वाला इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा हिंदी। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो है देख लीजिएगा, आप इंग्लिश में लिखा जाएगा बट जो दोस्तों जो है हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ सलीम, तो आप देख पा रहे हैं सलीम जो है मैंने इंग्लिश में लिखा बट दोस्तों यहाँ पर जो है हिंदी में लिखा जा रहा है। तो इसी तरह से आपको हिंदी में फॉर्म भर लेना है। तो दोस्तों अब मैं फॉर्म फिलअप करना बताता हूँ कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर उनका नाम भरना है, जो भी नाम है वो नाम फिलअप कर देना है। दोस्तों अगर लेडीज़ हैं तो यहाँ पर जो है श्रीमती या फिर आपको कुमारी सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर उनके पापा का नाम देना है। याद रखिएगा यहाँ पर जो है पापा का नाम और मम्मी का नाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे होते हैं जो हस्बैंड का नाम डालते हैं बट दोस्तों इसमें जो है हस्बैंड का नाम नहीं डलता, ओनली पापा और मम्मी का नाम डलता है। यहाँ पर मम्मी का नाम डालेगा, यहाँ पर आपको मकान नंबर फिलअप करना है और यहाँ पर जो है आपको मोहल्ला या पोस्ट, जो भी उनका मोहल्ला है, विलेज है, गाँव का नाम है या फिर वो जो भी हो वो आप सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों भरने से पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ग्रामीण से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रामीण सेलेक्ट करना है, और दोस्त नगर पालिका यानी कि शहर से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर नगरीय पर क्लिक करना है। आपको जो गोल गोल है इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर जिला सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपकी तहसील सेलेक्ट करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से तहसील सेलेक्ट होने के लिए आ जाएगी। जैसे कि मैं तहसील सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से गाँव भी कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आपको गाँव सेलेक्ट करना है और यहाँ पर दोस्तों अपना जो है इनका मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर उपरोक्त पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर उपरोक्त पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट सारा एड्रेस जो है फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्टेट सेलेक्ट है। स्टेट सेलेक्ट होने के बाद जो है यहाँ पर आपको जाति चुननी है। जाति क्या चुननी है, अगर दोस्तों ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी सेलेक्ट करनी है, एससी में आते हैं तो एससी, और अनुसूचित जाति या फिर विमुक्त है तो कुछ भी जो जाति है उनसे पूछ लीजिएगा किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओबीसी में आते हैं तो पिछड़ी सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद उनकी जो भी जाति है ओबीसी में, जो भी आते हैं मुस्लिम है तो मुस्लिम जाति देख करके आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों ये डालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जाति देख करके आप बहुत अच्छे से फिलअप करिएगा। और दोस्तों उसके बाद जो है आप यहाँ ये पूछ रहा है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, यानी कि प्रमाण पत्र बनवाने का क्या कारण है। दोस्तों यहाँ पर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर सिंपली छात्र डाल दीजिएगा। अदरवाइज दोस्तों आप कोई मजदूर वगैरह है तो यहाँ पर मजदूर डाल दीजिएगा, फिर कोई लेडीज वगैरह है शादीशुदा है तो यहाँ पर सिंपली गृहिणी डाल दीजिएगा। गृहिणी डालने के बाद ये पूछ रहा है क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ। दोस्तों जारी हुआ है तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिएगा, और जारी नहीं हुआ है तो आप नो करके आप सिंपली फॉर्म फिलअप करते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर आप हाँ करते हैं तो जो आपका पहला सर्टिफिकेट बना हुआ है वो आपको यहाँ पर जो है अपलोड करना है। जैसे ही आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पर आएंगे तो यहाँ पर जो है अन्य पर जा करके वो अभी मैं आगे बताऊँगा कैसे वो करना है। तो दोस्तों अगर जो पहले से बना हुआ है तो आपके जो है वो जो वेरिफिकेशन होता है वो वेरिफिकेशन नहीं होएगा और डायरेक्टली आपका जो आवेदन जाएगा, जाने के बाद जो है आपका एकदम जो है एक दो दिन के अंदर ही आ जाएगा। अदरवाइज दोस्तों आप ये नहीं करते हैं तो लगभग एक सप्ताह लग जाता है इसको आने में आपके पास। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये क्या है, आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको हाँ रहने देना है और यहाँ पर सिंपली अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। दोस्तों फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको सिंपली बैग चले आना है और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स जो है डॉक्यूमेंट जो आपके लैपटॉप के या फिर कंप्यूटर के अंदर डले हुए हैं उन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको क्लिक करने के बाद जो है आपको इसका रिसाइज करना है। रिसाइज कैसे बनाना है वो मैं आपको, साइज कैसे बनाना है इसमें अपलोड करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ेंगी, तो आपको सिंपली एडिट पिक्चर पर जाना है। पिक्चर पर जाने के बाद आपको रिसाइज पर क्लिक करना है। रिसाइज पर क्लिक करने के बाद आप जो ये लंबी वाली जो कॉलम से देख रहे हैं आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप ये देख पा रहे हैं बैब लार्ज, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आप फाइल पर जाइएगा और इसको सेव कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको सेव करते हैं तो ये 100 KB से अंदर का हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो आप अपलोड करते हैं तो इसमें 100 KB से कम साइज होना चाहिए। अदरवाइज दोस्तों आपको ये एरर जो आप देख पा रहे हैं आपको ये एरर शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 63 KB का ये हो गया है।
दोस्तों आपको सिंपली इसी तरह से आपको आधार कार्ड ओपन करना है और इसी तरह से आपको जो है साइज कर लेना है। तो दोस्तों फोटो का साइज जो है वो बाई डिफॉल्ट कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 300 KB तक का जो फोटो अपलोड हो जाता है। तो आप जैसे ही आप इसका साइज बना लेते हैं, साइज बनाने के बाद आपको चुने पर आ जाना है। चुने पर आ जाने के बाद आप सिंपली सबसे पहले फोटो पर जाइएगा। फोटो पर जाने के बाद आप चूज फाइल पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर फोटो पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर जो है सिंपली इसको अपलोड कर दीजिएगा। जैसे आप अपलोड करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है एक जो ऑप्शन सा बना हुआ आ जाएगा, तो आपको समझ लीजिएगा ये जो है अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। दोस्तों आप ये स्व प्रमाणित घोषणा पत्र पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद ये जो होता है वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, जो कि मैंने आपको फिलअप करना बता दिया है। आप इस पर चूज फाइल पर क्लिक करिएगा और यहाँ से जो है इसको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को क्लिक करिएगा और यहाँ पर जो है अपलोड कर दीजिएगा। इसी तरह से दोस्तों आप ये भी जो है ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो है आप अन्य पर जाइएगा, यहाँ पर जो है क्लिक करिएगा और अन्य पर जाइएगा। अन्य पर जाने के बाद आप यहाँ पर जो है आधार कार्ड, यहाँ पर जो है आपको आधार कार्ड टाइप करना है। आपको यहाँ पर आधार कार्ड टाइप करना है। टाइप करने के बाद आप चूज फाइल पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आधार कार्ड पर क्लिक करिएगा और सिंपली आपको इस पर अपलोड कर देना है। जैसे ही दोस्तों आपका ये अपलोड हो जाता है तो आपको सिंपली जैसे ही आप देख पा रहे हैं अपलोड हो गया, तो आपको जो है एक बार ठीक से इस जो सारा एड्रेस जो भी डिटेल आपने भरी है इसको ठीक से चेक करिएगा। चेक करने के बाद जो है आपको यहाँ आप देख पा रहे हैं दर्ज करें, आपको दर्ज करें पर क्लिक कर देना। दर्ज करें पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। तो उसके बाद जो है आपको सेवा शुल्क भुगतान है तो क्लिक कर देना और यहाँ पर जो आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 10 रुपये। तो दोस्तों चार्ज जो होता है वो उसका 10 रुपये होता है, लेकिन कटते जो है वो 15 रुपये कटते हैं। आपको प्रोसेस विद पेमेंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं आप सिंपली पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास नेट बैंकिंग है या फिर आपके पास एटीएम कार्ड है, वह आप सब यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं डेबिट कार्ड का यूज़ करता हूं, तो डेबिट कार्ड डालने के बाद आप मेक पेमेंट पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों जैसे ही आप अपना पेमेंट को पे कर देते हैं तो आपको कुछ इस तरह का, फिर पेमेंट पे करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सुरक्षित करें पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने फिर कुछ रसीद निकल करके आ जाएगी। तो इसको आपको सिंपली प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपको क्लोज कर देना है। जैसे ही आप क्लोज करते हैं तो आप यहाँ पर वापस आ जाएंगे। वापस आ जाने के बाद फिर से अपनी आईडी पर आ जाएंगे। आप देखना चाहते हैं कि मैंने किसको ऑनलाइन करा, तो आप सिंपली आवेदन की सूची पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपने ऑनलाइन करा वो ये आ गया है। तो आपको सिंपली फर्स्ट नंबर पर आ गया जाति प्रमाण पत्र आपने ऑनलाइन करा और ये जो है अप्लाई फॉर फॉरवर्ड टू कंसर्न ऑफिसर, यानी ये कंसर्न ऑफिसर के पास पहुंच गया है। जैसे जैसे ही ये बन करके आ जाता है तो आप सिंपली निस्तारित आवेदन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक करें और सबमिट पर क्लिक करिएगा। जैसे ये बन करके आ जाता है तो आपको यहाँ पर जो अगली सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा जब भी ये बन करके आ जाता है। दोस्तों कैसे इसको डाउनलोड करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कुछ भी आपको एरर आता है या कुछ भी दिक्कत होती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।